today we will be talking about the era of modern science after looking at all the details of historical case studies uh, today we will be looking at how the emergence of those all scientific times has been came or usme hamne earlier 20th century exposure 19th century mein psychology was already being accepted as a science and it's an empirical one और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च जो हैं वो उसको प्रूफ कर रही थी कि ये हर एक चीज़ को साइंटिफिक तरीके के साथ प्रूफ करती है प्रोग्रेस ऑफ मेडिकेशन बिगेन टू एक्सेलरेट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट्स वॉज ऑल्सो चेंज अब हम उस तरह का सलूक आजकल के दौर में जो कि क्लासिकल केस स्टडीज़ में होता था अपने ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ नहीं कर सकते इवन एनिमल्स के साथ भी नहीं कर सकते इवन एक रैट को अगर हमने Uh, किसी एक्सपेरिमेंट में ट्रीटमेंट में लेकर आना है तो उसको भी प्रॉपरली डेक्क uh, करते हैं उसको प्रॉपरली जो है वो uh, uh, उसका वेस्ट जो है उसको एक पर्टिकुलर uh, मैनर के अंदर जो है वो यूज़ uh, किया जाता है हम ये नहीं कर सकते कि उसको हम वैसे ही छोड़ दें अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी लाइफ का मैटर हो अदरवाइज उनको सर्जिकल प्रोसीजर से ट्रीट किया जाता है इसी तरह से आप आज के टाइम में देखते हैं देर आर द डिफरेंट थिंग्स विच इज़ रिलेटू व एंड लेट इ ट्रीटमेंट्स तो वहाँ पर भी हमें इतने कोड ऑफ एथिक्स को बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की और अपडेट करने की ज़रूरत पेश आती है तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है मोर स्ट्रॉली जस्टिस डिगनीटी ह्यूमन राइट इनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है एंड विदिट केम द डिस्कशन ऑफ़ वेरियस कोर्स एंड एथिक्स जो कि साइंटिफिक डिसप्लिन में यूज़ हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्टर रीड्स वेल नाउन एक्सपेरिमेंट्स टू डिप एंड इनाकुलशन फॉर येलो फीवर लीड दीज एडवास अब आज के दौर में जब हम वैक्सीनेशन एक्सपेरमेंट्स की बात करते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली uh, स्क्रूटनाइज़ करना पड़ता है अनलाइक द अर्लीयर ट्रायल्स अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा कि करोना वायरस के बाद जब वैक्सीनेशनस बनी तो जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने uh, उन वैक्सीनेशनस को अप्रूव नहीं किया तो कोई भी डिवेलप कंट्री जो था उसने अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए उन्हें ऑप नहीं किया uh, बाकी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वो वैक्सीनेशनस दी गई जो बेसिक एफ डी ए के एटलीस्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करती थी और वो उनके कुछ बेहतर रिजल्ट क्लिनिकल ट्रायल में सामने आ चुके थे वो मैसेज को दी गई इससे पहले ऐसा नहीं होता था बहुत सारी ऐसी डिजीज़ आती जिसमें हज़ारों लाखों लोग जान से चले जाते थे या एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पर ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ास्टर्स होते थे तो आज के दौर में हम वैक्सीनेशन को भी बहुत केयरफुल यूज़ करते हैं और अगर उसका एक या दो भी साइड इफ़ेक्ट्स या सिम्टम्स सामने आते हैं तो उसके यूज़ को उसकी प्रोडक्शन को फ़ौर डिसकन्टीन्यू कर दिया जाता है तो दिस इज़ द एय ऑफ मॉडर्न साइंस एंड इसमें हमने ये देखा कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो अपने एथिकल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स बनाए उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पेश आती रही क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उनको अपडेट करना पड़ता है लेकिन उनके जो बेसिक Five general principles and ten code of ethics uh, they sustain there, or improved karne ki baat karte over the period of time. Therefore, overall, due to the development of psychology over time, ethics have become much more important for us in nowadays, in modern days, as compared to the past times where the classical case studies were done. Ethical guidelines for human research are provided by American Psychological Association. इसके साथ साथ एनिमल वेलफेयर एक्ट भी हमें इस तरह की सजेशंस uh, देता है इस तरह की गाइडलाइंस देता है कि एनिमल्स को किस तरीके से हमें डील करना चाहिए दैन एसोसिएशन फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडेशन ऑफ लेबॉर्ट्री एनिमल केयर जो इनके मेन प्रिंसिपल्स हैं वो शायद सबके मिलते जुलते हैं लेकिन सेंसिटाइजेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटेशन मे बी डिफरेंट इन नेचर इन ईच ऑफ दीज एक्ट्स एंड कोड ऑफ एथिक्स ड्यू टू द क्रिटिसिजम एट पास स्टडीज ए पी एथिक कोर्स हैव रिवाइज सेवरल टाइम टू इंश्योर के रिसर्चर्स जो हैं वो डी ब्रीफ करें अपने पार्टिसिपेंट्स को रिगार्ड लेस वॉट इज़ द नेचर ऑफ़ द एक्सपेरिमेंट दे आर डूइंग इन टू आइर वो कोई सोशल एक्सपेरीमेंट है आ इधर वो कोई बिहेवियर एक्सपेरिमेंट है आ इधर वो कोई इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है हम बगैर उसे डी ब्रीफ किए नहीं कर सकते आज ये करना शायद कुछ कंट्रीज़ में तो इलीगल भी कंसिडर किया जाता है इट्स अ क्राइम इन उनके लॉ में से एक क्राइम के तौर पर रिपोर्ट किया जाता है टू डिफाइन द कंडीशन अंडर विच डिसेप्शन में बी यूज्ड दे वुड बी पर्टिकुलर सिचुएशंस इन विच द रिसर्चर हैज़ शोस द रू गि डिसप्शन टू द पार्टिसिपेंट हर सिचुएशन में हर वक्त हम डिसप्शन नहीं कर सकते uh, इसकी इंफॉर्मेशन पहले रिसर्चर्स को इतनी क्लियर और लाउड और साउंड नहीं थी जितनी आज के दौर में है दैन टू इंक्लूड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर रिसर्च विद ह्यूमस एंड एनिमल सब्जेक्ट्स इवन आज अगर हम ऑनलाइन रिसर्च की बात करते हैं आज अगर हम एनिमल की रिसर्च की बात करते हैं तो कहीं पर हमें साइबर क्राइम की पॉलिसी भी देखनी पड़ती है कहीं पर हमें एनिमल वेलफेयर राइट्स के जो एसोसिएशन uh, हैं उनकी पॉलिसीज भी देखनी पड़ती हैं तो ए पी ए जो है इट्स अ लार्जर चार्टर इट्स अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो जो एनिमल्स एंडन के राइट्स को दीरियड ऑफ टाइम रिवाइज करता है अपडेट करता है ताकि हम उसको ब्रॉडर सेंस के अंदर अंडरस्टैंड कर सकें और ह्यूमन कम्यूनिटी और जो हमारी एनिमल कम्यूनिटी है इन दोनों की वेलफेयर के लिए इक्वली सोच सकें